दोस्तों हमेशा की तरह एक और कमाल की कंपैरिजन वीडियो के साथ आ चुका हूं। और आज की वीडियो में हम मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर रोन किंग थॉर को डीसी के मदर ऑफ मल्टीवर्स कहे जाने वाले परपिचवा के साथ भिड़ाने वाले हैं। दरअसल इस भाई ने पिछले वीडियो के कमेंट में यह बैटल दिया था, इसलिए यह वीडियो बनाई गई है। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। और आप भी इस टाइप के बैटल कमेंट में डाल सकते हैं। हमेशा कोशिश रहेगी कि उसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन बैटल कंपैरिजन वीडियोस लाते रहें। तो सबसे पहले हम रोन किंग थॉर के पावर्स एंड ओरिजिन के बारे में डिस्कस करेंगे। रोन किंग थॉर को उसकी पावर्स मिलती है मिमिर वेल से, यानी एक जादुई कुआं जिसमें थॉर अपने दोनों आंखों को सेक्रीफाइस कर देता है और खुद को ट्री ऑफ लाइफ में लटका कर फांसी लगा लेता है, जिसके बाद से उसके पास बहुत ही नेक्स्ट लेवल की पावर्स आ जाती है और तब वो बनता है रोन किंग थॉर। अगर हम रोन किंग थॉर के पावर्स की बात करें तो इस कैरेक्टर के पास इनमोर्टलिटी के साथ साथ पास्ट एंड फ्यूचर देखने की भी पावर्स है। इसके अलावा टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, टाइम मैनिपुलेशन, रियलिटी डिस्ट्रॉय एंड क्रिएशन के साथ साथ रोन किंग थॉर पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके न्यू लाइफ क्रिएशन की भी नॉलेज होल्ड करता है। थॉर का ये वर्जन रोन मैजिक और ओडिन फोर्स जैसे पावर्स अपने जेब में रखकर घूमता है। यानी कुल अगर देखा जाए तो यह कैरेक्टर पूरे यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। रोन किंग थॉर के कारनामों की बात करें तो इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। इसने मैनगोक को एक ही अटैक से खत्म कर दिया था। यह वही मैनगोक है जिसके साथ फाइट करने से ओडिन भी डरता था। इसके बाद शैडो गॉड्स को हरा कर रैग्नारोक के साइकिल को रोक चुका है। आपको बता दूं कि शैडो गॉड्स एसगार्ड के सभी गॉड्स और वहाँ के लोगों का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कंट्रोल करता है। और तो रोन किंग थॉर वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर रखा है। ऐसा कहा जाता है कि यह ट्री एक साथ कई सारे यूनिवर्स को होल्ड करता है। इसके अलावा रोन किंग थॉर और भी कई सारे कारनामे कर रखे हैं। चलिए अब बात करते हैं डीसी यूनिवर्स के मदर कही जाने वाली परपिचवा के ओरिजिन और पावर्स के बारे में। तो बिलियन सालों पहले एक रेस हुआ करती थी द सोर्स के नाम से, और उन्ही के लीडर्स द्वारा सुपर सेलेस्टियल जैसे पावरफुल बींग्स को बनाया गया और उन्ही में से एक परपिचवा है। दरअसल द सोर्स के लीडर्स ओमिनिवर्स के जरिए एक न्यू लाइफ सिस्टम क्रिएट करना चाहते थे और इस काम को पूरा किया परपिचवा ने। लेकिन यूनिवर्स और मल्टीवर्स बनाने से पहले परपिचवा ने मॉनिटर और एंटी मॉनिटर जैसे पावरफुल वेंग को भी बनाया है। इसके पावर्स की बात करें तो जो कैरेक्टर मल्टीवर्स को अपनी उंगलियों पर घुमा सकती है उसके लिए टाइम मैनिपुलेशन, रियलिटी क्रिएशन जैसे और भी चीजें बिल्कुल नॉर्मल लगने लगती है। कुल मिलाकर परपिचवा एक सुपर सेलेस्टियल है और इसके पास अनलिमिटेड पावर सोर्सेज है। तो ऐसे में क्या होगा अगर रोन किंग थॉर और परपिचवा के बीच फाइट हो जाए? आखिर इस फाइट का विनर कौन बनने वाला है? मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो इस फाइट में परपिचवा ही विन कर जाएगी। भले ही रोन किंग थॉर ने एक ही अटैक से सेवन सेलेस्टियल को मारा हो, लेकिन यहाँ फाइट सेलेस्टियल से नहीं बल्कि सुपर सेलेस्टियल से हो रही है। और रोन किंग थॉर यूनिवर्सल लेवल पर बहुत सारे कारनामे कर रखा है, पर जब बात मल्टीवर्स की हो तो वहाँ परपिचवा आगे निकल जाती है, इसलिए इस फाइट का विनर परपिचवा होने वाली है। वैसे ये सिर्फ मेरी ओपिनियन है, हो सकता है आपके हिसाब से ये रिजल्ट कुछ और हो। जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। और आगे आप किन किन कैरेक्टर्स का कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।